सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं रॉयल क्यू के बारे में। बेसिकली दोस्तों, ये एक बोट है और शायद आपने इसके बारे में सुना भी होगा। तो रॉयल क्यू में क्या है कि यहाँ पे आपको अपने बाइनेंस और होबी की API आपको लिंक करनी पड़ती है, जहाँ पर ये बोट खुद ट्रेडिंग करता है। और यहाँ पे मैं कुछ आपको सेफ स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप यहाँ पर ईजिली ट्रेड कर सकते हो विथआउट एनी रिस्क के। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये वर्क कैसे करती है, किस तरह से ये आपको प्रॉफिट दे सकती है, किस तरह से आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, इसमें बेनिफिट्स क्या आपको देखने को मिल सकते हैं, लॉसेस क्या है, और साथ में हम बात करेंगे इसके एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ सके। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर फ्री में कई सारे मैं अपडेट देता हूँ, कई सारे मैं कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ। तो आप इन कॉल्स को फॉलो करके भी आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। तो रॉयल क्यू की जब इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वर्क कैसे करती है। तो बेसिकली दोस्तों, मार्केट को अगर आपने देखा है, अगर आपने मार्केट में ट्रेड किया है, तो आपको पता होगा मार्केट एक बॉल की तरह वर्क करती है। मतलब थोड़ा सा अप जाती है फिर डाउन जाती है, थोड़ा सा अप जाती है फिर यहाँ पर डाउन जाती है। तो अगर आपने मार्केट को देखा होगा, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में भी होती है तो भी मार्केट, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो भी मार्केट यहाँ पर अप जाती है फिर यहाँ पर डाउन जाती है फिर अप जाती है। तो बेसिकली ये बोट भी यही करता है, जब मार्केट यहाँ पर डाउन आती है ये यहाँ पर बाई करती है, और जैसे 1-2% का प्रॉफिट यहाँ पर एवरेज पर होती है वो इसे यहाँ पर सेल कर देती है। मतलब जैसे जैसे डाउन जाती है वो उसे बाई करती रहती है 4-5% गिरने के बाद, और फिर जैसे ही उसकी एक एवरेज प्राइस अच्छी होती है और 2-3% या फिर 1% की भी प्रॉफिट में होती है, वो इसे यहाँ पर सेल करती है। तो यहाँ पर इसकी सेटिंग भी दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे पहले वो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो जो भी प्राइस आप यहाँ पर सेट करते हो $10-$20 का वो बाय करती है। उसके बाद जब 3.5% डाउन आएगी तो 2 times गुना ये यहाँ पर बाय करेगी। जब ये 4% डाउन आएगी तब ये 4 times गुना यहाँ पर बाय करेगी। तो इस तरह से ये यहाँ पर एक एवरेज करती है, और एवरेज करने के बाद यहाँ पर ओवरऑल ये यहाँ पर प्रॉफिट ही करती है। अब अगर यहाँ पर आप हमारी 5 दिन का प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो लगभग $82 का प्रॉफिट आपको यहाँ पे शो करेगा। तो टोटल $82 का प्रॉफिट यहाँ पर मैंने किया है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि यहाँ पर मैंने किसी तरह का सरदर्द नहीं किया कि मार्केट कहाँ जाएगी कैसे जाएगी, किसी तरह का मैंने कुछ भी हाथ नहीं लगाया। मैंने सिर्फ अपने होबी अकाउंट पर $2000 यहाँ पर फंड रखे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है, मैं यहाँ पर प्रॉफिट कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे कि आप इसे ज्वाइन कैसे करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, लिंक में क्लिक करके आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना है। साथ में स्क्रीन पे भी रेफरल कोड दी हुई है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, उसे आप यूज कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप एंड कॉलिंग नंबर भी शो हो रही होगी, इसमें कॉल करके इसकी पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर ले सकते हो। और यहाँ पर मैं अब आपको बताऊँ रॉयल क्यू की कई सारे मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि आपने इसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हो, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब ज्वाइन करने के बाद क्या होगा कि आपको बाइनेंस या होबी के साथ API को लिंक करनी होगी। जब आप इसे लिंक कर लेंगे तो आपका यहाँ पर अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि $100 से आपको अपने इस ये जो बॉट है इसे आपको एक्टिव करनी पड़ेगी। $100 से जब आप यहाँ पर एक्टिव करते हैं तो $100 है 1 year का सालाना यहाँ पर फीस है, तो इस फीस को देकर आप इस बॉट को एक्टिव कर सकते हो। अब आपको ये नहीं समझना है कि $100 यहाँ पर जो रॉयल क्यू का एप्लीकेशन है इसके पास चला जाता है। एक्चुअली मैं रॉयल क्यू की एक एफिलिएट प्रोग्राम भी चलती है, जहाँ पर $70 यहाँ पर 6 levels पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और $30 ही रॉयल क्यू के पास यहाँ पे जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी ने ये एप्लीकेशन डिजाइन की है, इतनी मेहनत की है, तो जाहिर सी बात है वो $30-$20 फीस यहाँ पर लेगी। तो इस एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है कि इसमें बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल रिस्क बोलकर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप सही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका अमाउंट कितना है। अगर $200-$300 का आपके पास अमाउंट है, या फिर $200-$300 से आप यहाँ पर ट्राई करना चाहते हो, तो डिफ़ॉल्ट की जो स्ट्रेटजी है, मतलब यहाँ पर ये जो रॉयल क्यू है इसकी खुद की भी स्ट्रेटजी बनी हुई है, तो डिफ़ॉल्ट में आप उसकी स्ट्रेटजी को यहाँ पर लगा सकते हो और उसके थ्रू आप यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा नॉलेज है ट्रेडिंग के बारे में, आपको पता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में, तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर स्ट्रेटजी को सेट कर सकते हो। बेनिफिट्स के बारे में आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपको किसी तरह का ट्रेड करने का ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर इसे बोट ही ट्रेडिंग करेगी। प्लस यहाँ पर आप
इसके एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन करके एक यहाँ पर पैसिव अर्निंग भी डेली यहाँ पर आप ले सकते हो, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर रिस्क क्या है, लॉसेस क्या हो सकती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जब भी आप इस एप्लीकेशन से किसी भी एक्सचेंज को लिंक करते हो, बाइनेंस या होबी को, तो अगर आपके अंदर में ये माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्सचेंज को लिंक करना अच्छा होगा, तो मेरे हिसाब से होबी को लिंक करना अच्छा यहाँ पे होगा। अब ऐसा मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, पहली बात, होबी भी सेम बाइनेंस की तरह ही ट्रस्टेबल एक्सचेंज है, तो हम यहाँ पर इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी, होबी में एक तरह का सिस्टम है कि अगर आप यहाँ पर अपनी API को लिंक करते हो, तो यहाँ पर होबी में ही एक ऐसी सेटिंग API में कर सकते हो कि अगर आपने 5 करेंसी को सिलेक्ट किया है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, तो मैंने यहाँ पर डॉट, इथेरियम, HT, LTC एंड नियो को यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेट किया है। तो अगर आप 5 कॉइन को यहाँ पर सेट करते हो, तो 6ठी कॉइन पे ये रोबो कभी भी ट्रेडिंग नहीं ले पाएगा, अगर ये चाहे तो भी। तो होबी में एक तरह का सिस्टम है कि आप इन 5 कॉइन को यहाँ पर सिलेक्ट कर दो, इसके बाद ये 5 कॉइन पे ही ये ट्रेड लेगा, इसके अलावा 6ठे कॉइन पे ये कभी ट्रेड यहाँ पे नहीं ले सकता। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर बाइनेंस में बहुत सारे लोग जब अपनी API को यहाँ पर लिंक करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे ये डाउट होता है कि कहीं ये जो रोबोट है, ये जो बोट है, अपनी मनमानी ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को प्रमोशन लेकर, किसी से पैसे लेकर ये दूसरे कॉइन को भी यहाँ पर बाय करे, उसकी हाइप बनाने की कोशिश करें। तो ऐसे में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने अमाउंट को, अपने अकाउंट को पूरी तरह से सिक्योरिटी रखने की। तो होबी में ये सिस्टम है कि जिन 5 कॉइन को आप यहाँ पर, या फिर जिस 6 कॉइन को आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, या 10 कॉइन को सिलेक्ट करोगे, ये रोबो उसी कॉइन पे ही, ये जो बोट है उसी कॉइन पे ट्रेडिंग लेगा, इसके अलावा वो अदर पे ट्रेड नहीं ले पाएगा। तो ये यहाँ पर जो लॉसेस की संभावना आती है, जो लॉसेस का एक माइंड आता है कि लॉस हो सकता है, इस चीज़ों पे होबी यहाँ पर बेटर हो सकता है। यहाँ पर इस चीज़ के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ये जो बोट है ये दूसरे कॉइन को भी ट्रेड यहाँ पर लगा सकता है। दूसरी, हम यहाँ पर बात करें, जो डर यहाँ पर होती है कि कहीं आपका जो फंड है वो यहाँ से विड्रॉल ना कर ले, तो मैं आपको बताऊँ, ये बोट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ ये यहाँ पर ट्रेड ले सकता है, ये यहाँ पर आप मार्केट को वॉच कर सकता है। अब वही बात विड्रॉल के बारे में, तो विड्रॉल के बारे में आपको पता है कि अगर आप किसी भी एक्सचेंज से विड्रॉल करते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर पे, ईमेल पे OTP आती है, उस OTP को डालने के बाद ही विड्रॉल यहाँ पर सक्सेसफुल होती है। तो आपको जाहिर सी बात है कि ये बोट यहाँ पर किसी भी तरह का आपका फंड यहाँ से विड्रॉल नहीं कर सकता। तो जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी सिंपल सा ये एप्लीकेशन है, आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो। पहले आप छोटा अमाउंट से शुरू कर सकते हो, इसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या आपके हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, तो अगर आपके कॉइन अच्छे हैं, अगर आपके कॉइन लॉन्ग टर्म में, अगर आपको बिलीव है कि ये कॉइन आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी प्रॉफिट दे सकता है, तो बेशक आपको यहाँ पर डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कॉइन है, ये जो इसकी ट्रेड होती है वो स्पॉट पे होती है, और आपको पता है स्पॉट ट्रेडिंग पे कभी भी अकाउंट जीरो नहीं होते हैं। तो हम बात करेंगे इसके एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में और किस तरह से आप इसे शुरू कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको $100 से यहाँ पे इस बोट को एक्टिव करना पड़ता है, जहाँ पे आपको 0.5% से 10% तक का डेली का आपको यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकती है। ये जो बोट है 24 आवर यहाँ पर चलती रहती है, साथ में जो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट होती है, उस प्रॉफिट का 20% ये यहाँ पर लेती है। मतलब अगर आज आपने $10 का प्रॉफिट यहाँ पे किया है, तो $2 यहाँ पे बोट के पास ऑटोमेटिक यहाँ पे चली जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर बाइनेंस से ये विड्रॉल नहीं कर सकती, तो ये आपको प्रॉफिट को किस तरह से यहाँ पर लेगी। तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर इसके जो एसेट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको एसेट की एक ऑप्शन आपको दिख रही है, तो इसमें आपको 10, 20, 30 डॉलर आपको एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, ताकि जो भी आपको प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट का 20% वो यहाँ से डिडक्ट कर लें। मतलब सिंपल है कि अगर बोट ने हमें $10 का प्रॉफिट यहाँ पे दिया है, तो उसके जो कमीशन बनते हैं $2, वो हमारे इस एसेट के जो ऑप्शन दिख रहे हैं वहाँ पे $31 जो हमारे शो हो रहे हैं, वहाँ से वो $2 यहाँ पे डिडक्ट कर देगी। तो उस एसेट के ऑप्शन पे आपको 20, 220 जो भी आप अमाउंट अफोर्ड कर सकते हो, जिस हिसाब से आपका अमाउंट है, उस हिसाब से लगभग $20-40 आपको वहाँ पे रखने पड़ेंगे, ताकि जो भी आपका प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट का जो 20% बनता है, वो यहाँ पर बोट यहाँ पर डिडक्ट कर सके। तो अब हम बात करेंगे इसके एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, $100 से आपको यहाँ पर एक्टिवेट करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर आपको एफिलिएट प्रोग्राम कुछ इस तरह का दिया जाता है कि अगर आप
किसी भी लोगों को ज्वाइन करवाते हो, मतलब अगर आप किसी भी मेंबर्स को अपनी आईडी के थ्रू यहाँ पर एक्टिवेट करवाते हो, तो यहाँ पे जब वो अपने अकाउंट को एक्टिवेट करेगा तो उससे आपको 30% की प्रॉफिट होगी, मतलब $30 का प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ में जितने भी वो यहाँ पर ट्रेड लेगा, उस ट्रेड का जो प्रॉफिट होती है, उस प्रॉफिट का 20% भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब इस प्रॉफिट को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर आपके अंडर पे कोई बंदा ट्रेड कर रहा है और ट्रेड में जो भी उसकी प्रॉफिट जनरेट होती है, तो जाहिर सी बात है उस प्रॉफिट का 20% जो कंपनी, जो ये रॉयल क्यू है, उसके पास जाती है, और उस 20% का वो आपको 20% यहाँ पे देती है। इसके बाद यहाँ पे V2 का लेवल है, जहाँ पे 3 लोग ऐसे होने चाहिए, मतलब 3 डायरेक्टर में आपके होने चाहिए, साथ में टोटल 20 मेंबर्स आपके पास होना चाहिए, जहाँ से आपको जो भी लोग अब आपके अंडर में ज्वाइन करेंगे उससे 40% का आपको कमीशन साथ मिलेगा, साथ में टीम रिवॉर्ड भी 30%, मतलब जो प्रॉफिट इनकम होती है वो भी 30% आपको मिलेगी। तो इस तरह से टोटल 6 लेवल तक यहाँ पर आपको इनकम मिलने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। V3 में 5 यूजर्स आपके पास डायरेक्टली 5 यूजर आपके पास होने चाहिए, जिसमें से 3 ऐसे बंदे होने चाहिए जो कि V2 की जो क्रिटेरिया है उसे वहां पर कंप्लीट कर ली हो। साथ में टोटल 100 के मेंबर्स आपके होने चाहिए, और फिर अगर आप यहां पर देखोगे तो 50% का कमीशन आपको मिलेगा जो भी आपके डायरेक्ट पे ज्वाइन करेंगे। तो पूरी की चार्जशीट यहां पर दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हो। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप जो नंबर आपको शो हो रही है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैं इस एफिलिएट प्रोग्राम पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ कि अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सिर्फ यहाँ पे ज्वाइन करके अपनी प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। खुद का अमाउंट लगा के, मतलब बाइनेंस की API या फिर होबी की API को लिंक करके आप यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब बाकी का, अगर आपको नेटवर्क बनाना आता है तो आप इस नेटवर्क का बेनिफिट्स ले सकते हो। आप जूम मीटिंग ज्वाइन करके आपको मालूम चलेगा कि इस नेटवर्क के थ्रू लोग अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप यहां पर बाइनेंस की API को लिंक करेंगे, किस तरह से आप यहां पर होबी की API को लिंक करेंगे, और किस तरह से आप यहां पर डिपॉजिट करके अपने ID को एक्टिवेट करवा सकते हैं। टोटल डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा।